करते हैं, एक स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है, मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल कैलकुलेटर का। नॉर्मली हमें दो नंबर्स की कैलकुलेशन करनी है, एक बाइनरी ऑपरेशन करना है, मतलब दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, या उनका रिमाइंडर देखना है दो इंटीजर्स का। तो किस तरह से देखिए, मतलब हम जब कैलकुलेटर में ये काम करते हैं तो हम 2 + 3 बाद में इक्वल का साइन दबा देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 + 3 एंटर दबाते ही उनका एडिशन आ जाए, 2 - 3 एंटर दबाते ही उनका डिफरेंस आ जाए, 2 * 3 दबाते ही उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए। इस तरह का एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। इस तरह कैलकुलेटर में महत्वपूर्ण ये होगा कि जब हम एक करेक्टर दे रहे हैं तो उस करेक्टर से डिसाइड हो कि वो उसे क्या ऑपरेशन करना है। तो हमने यहाँ पर एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है जिसमें एक %D %C %D कन्वर्जन स्पेसिफायर दिए हैं। %D मतलब एक डेसिमल इंटीजर, %C मतलब एक करेक्टर, और बाद में %D मतलब एक डेसिमल इंटीजर इनपुट में। पहला %D है उसके लिए num1 है, दूसरे %C के लिए करेक्टर CH है, और दूसरे %D के लिए नंबर num2 है। ये स्कैन ऐप में लिखे, मतलब ये तीनों रीड होंगे। मतलब हम 2 + 3 यदि लिखेंगे तो 2 num1 में स्टोर होगा, प्लस का साइन है वो CH में, और 3 है वो num2 में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्विच के, अब स्विच स्टेटमेंट समझें उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह का ये काम करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्लासरूम में एक टीचर अटेंडेंस ले रहा है, तो टीचर अटेंडेंस में रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स को पुकारता है, टीचर 1 2 3 4 इस तरह से रोल नंबर बोलता है। कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट या अपने प्रेजेंट्स बताते हैं। तो यहाँ पर 1 मतलब जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है वो एक्शन में आएगा। जब जो अटेंडेंट अटेंडेंस ले रहा है वो 10 बोलता है, तो जिस स्टूडेंट का है, जिस कैंडिडेट का रोल नंबर 10 है वो एक्शन में आएगा। इस तरह से ये मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट है, मतलब कोई भी नंबर बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। इस तरह से ये नंबर से जो कनेक्शन वाला डिसीजन है ये हम लेते हैं, इसको मल्टीपल सिलेक्शन बोलते हैं। इसी तरह से हम कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ पर भी प्लस माइनस स्टार स्लेस परसेंटेज ये कुछ करेक्टर्स लिए हैं, इनमें से एक करेक्टर इनपुट में होगा और उसके अकॉर्डिंग इसको डिसीजन लेना है। तो ये हम स्विच केस स्टेटमेंट ले रहे हैं। यदि हमने जो स्टेटमेंट्स लिए हैं, जैसे एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 40 बोला जाता है, तो कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर यस नहीं कहेगा, कोई भी कैंडिडेट एक्शन में नहीं आएगा, और डिफॉल्ट एक्शन उसका होगा कि नो स्टूडेंट एग्जिस्ट विद दिस रोल नंबर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट हम लिखते हैं। तो डिफॉल्ट वो केस है जिसमें कोई भी जो इनपुट दिया गया वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, वो किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं है, तो डिफॉल्ट में जो लिखा है वो एक्शन होगा। यहाँ ये कैलकुलेटर है, इसमें करेक्टर के रूप में प्लस माइनस स्टार स्लेस और परसेंटेज ये केसेस हैं जो मैच करेंगे, वो यदि इनपुट में होंगे तो कुछ एक्शन होगा, वो नहीं होंगे तो डिफॉल्ट में जाएगा, डिफॉल्ट में इसको जो करने को कहा है वो एक्शन होगा। तो ये मैच करेगा कि कौन सा करेक्टर यहाँ मैचिंग वाला मिल रहा है, ये लेबल्स के रूप में हमने लगाए हैं। स्कैन ऐप में %C जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है ये स्पेसिफाई करता है कि हमें यहाँ एक करेक्टर रीड करना है। इसके अलावा हमने एक यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर काम में लिया है, टोटल इक्वल टू num1 + num2। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग में जैसे असाइनमेंट काम करता है उसी तरह से काम करेगा, num1 + num2 की वैल्यू टोटल को असाइन कर देगा। ये यहाँ पर हम मल्टीपल असाइनमेंट भी लिख सकते थे, जैसे a = b = c = 0। तो इसका मतलब सबसे पहले c को ये 0 असाइन करता, फिर b को जो c की वैल्यू वो असाइन कर देता, उसके बाद में a को b की जो 0 वैल्यू हो चुकी है वो असाइन कर देता। हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये है प्रोग्राम जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड किया, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, उसमें num1 num2 और टोटल डिक्लेरेशन एज इंटीजर करते हैं, करेक्टर CH का डिक्लेरेशन एज ए करेक्टर करते हैं, बाद में num1 करेक्टर एंड num2 को रीड करते हैं,
बाद में स्विच में इनपुट के रूप में एक करेक्टर लिख देते हैं, जो करेक्टर रीड किया उसको, केस यदि सी एच प्लस है तो ये टोटल इक्वल टू नम वन प्लस नम टू कर देगा, केस इक्वल टू यदि माइनस है तो टोटल इक्वल टू नम वन माइनस नम टू कर देगा, केस इक्वल टू यदि स्टार है तो नम टोटल इक्वल टू नम वन स्टार नम टू कर देगा, केस यदि स्लेस है तो टोटल इक्वल टू नम वन स्लेस नम टू कर देगा, केस यदि परसेंटेज है तो टोटल इक्वल टू नम वन परसेंटेज नम टू हो जाएगा। सबके बाद में यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक भी लिखा है और डिफॉल्ट है तो यहाँ एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी जिसमें ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप प्रिंट हो जाएगा एंड रिटर्न जीरो प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। यदि ये डिफॉल्ट में नहीं आता है तो स्विच के बाद में हमने टोटल को प्रिंट कर दिया है। रन ऑन करके देखते हैं कंपाइल हो गया, रन किया, एक्सप्रेशन देने को कह रहा है, 2+3 दिया तो 5 पिन आउटपुट में आ गया, 12 है माइनस 3 देते हैं तो 9 सही आउटपुट आ रहा है, 12 है स्टार 3 देते हैं तो भी सही आउटपुट आ रहा है, 20/3 देते हैं तो 6 टाइम्स भाग जाता है और रिमाइंडर 2 रह जाता है, 20% 2 करते हैं, 20% 3 करते हैं तो आउटपुट 2 आ जाता है। इसके अलावा हम और कुछ इनपुट लेके देखें, जैसे 2R4 लिख दिया तो यहाँ R कोई ऑपरेशन हमने नहीं दिया था, इसलिए यहाँ जो ही R लिखा तो ये डिफॉल्ट वाला केस जो था ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम 2^3, 4 ये करते हैं, ऐसा हमने कोई ऑपरेटर डिफाइन नहीं किया है यहाँ प्रोग्राम में, इसलिए ये ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन स्कोप प्रिंट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का काउंटर कंट्रोल्ड, तो इसमें कुछ ए काउंट, बी काउंट, सी काउंट, डी काउंट, ई काउंट, एफ काउंट नाम से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, और एक इंटीजर ग्रेड डिक्लेयर किया है और उस पर कंडीशन लगा दिया है, एक करेक्टर रीड कर रहे हैं और उस करेक्टर की जो भी वैल्यू, यहाँ गेट CHR एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, उसमें जो भी वैल्यू रीड कर रहे हैं वो ग्रेड को असाइन होगी और उस पर कंडीशन लगा दी है EOF मतलब एंड ऑफ फाइल कंडीशन, यहाँ पर लिनक्स में इसके लिए कंट्रोल D दबाएंगे, विंडोज़ में कंट्रोल Z, वहाँ पर इसका एंड हो जाएगा कंडीशन का, और उसमें बाद में स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल सिलेक्शन स्विच स्टेटमेंट काम में लिया। यहाँ व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट है मतलब ये कंडीशन रिपीट होगी। इसमें गेट CHR है एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो एक करेक्टर को रीड करता है एंड रिटर्न करता है, रिटर्न मतलब यहाँ पर हमने ग्रेड इक्वल टू गेट CHR लिखा है, मतलब जो भी इसने वैल्यू रीड किया वो ग्रेड को असाइन कर देगा। इसके बाद इसके अलावा जो करेक्टर हम रीड करते हैं सी प्रोग्रामिंग, सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कोई भी करेक्टर है उसको नॉर्मली इंटीजर डाटा टाइप के रूप में ही ये काम में लेता है। इंटीजर नॉर्मली 4 bytes में स्टोर होता है और जो करेक्टर टाइप का इंटीजर है वो 1 byte में स्टोर हो जाता है, मतलब मेमोरी इसको कम चाहिए, कम मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इंटीजर टाइप का ही होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लोअर केस ए की बात की, तो लोअर केस ए जो है वो 97 इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 97 जो इंटीजर है उसको मैं एज ए करेक्टर प्रिंट करूँ तो लोअर केस ए प्रिंट होगा, और ए जो करेक्टर ए है उसको एज ए इंटीजर प्रिंट करूँ तो वो 97 प्रिंट होगा। इनको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो भी कीबोर्ड पे अपने जो डिजिट्स हैं वो सभी डिजिट्स जो भी करेक्टर्स हैं वो सारे करेक्टर्स एक को जो कहा जाता है वो है ASCII करेक्टर्स, ASCII की फुल फॉर्म ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब कीबोर्ड पे नॉर्मली जो करेक्टर्स आपको मिलते हैं उनको ASCII करेक्टर कहा जाता है, यूँ हम समझ सकते हैं। UOF जो है वो सेंटिनल वैल्यू है जिसको एंड ऑफ फाइल भी कहते हैं, ये डिनोट करता है कि अब आपने एंट्री देना डाटा एंटर करना बंद कर दिया है। जो UOF है
वो stdio.h के अंदर उसकी जो सिम डिफिनेशन है वो इसके अंदर होती है। लिनक्स यूज करने के लिए UF करेक्टर कंट्रोल की के साथ डी प्रेस करें, उसको ये एंड ऑफ करेक्टर मानता है, UF करेक्टर मानता है, मतलब एंड ऑफ फाइल वाला करेक्टर मानता है। और यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले रहे हैं तो विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो सी कंपाइलर है वो कंट्रोल जेड को एंड ऑफ फाइल मानता है। स्विच जो है उसके अंदर इनपुट के रूप में हमने ये जो वेरिएबल ग्रेड है वो दे दिया है, मतलब स्विच का जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर उस कंट्रोल वेरिएबल की का नाम लिख देते हैं, कंट्रोल वेरिएबल का जो भी आइडेंटिफायर नेम है वो लिख देते हैं। उसको बाद में मैच करवाते हैं, तो कोई भी एक केस, ये सबसे पहले केस मैच करेगा, मतलब जो ग्रेड की वैल्यू है वो किसी केस के सामने लिखी वैल्यू से मैच करेगा। यदि वो ही ग्रेड की वैल्यू है तो यहाँ उसके बाद में जो भी एक्शन दिए हैं वो ये करेगा और सारे जो केसेस हैं उनको इग्नोर करेगा। लेकिन यदि कोई केस मैच नहीं करता तो नेक्स्ट केस को मैच करेगा, वो केस मैच नहीं करता तो उससे नेक्स्ट केस को मैच करेगा। इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले ग्रेड की वैल्यू को ए अपर केस ए से कंपेयर करेगा, बाद में लोअर केस ए से, यदि ये दोनों ही मैच नहीं होते हैं तो अपर केस बी से मैच करेगा, फिर लोअर केस बी से, ये भी मैच नहीं होते हैं अपर केस सी लोअर केस सी एंड सो ऑन मैच करेगा। यदि कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी, कोई भी इससे मैच नहीं करेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट में जो लिखा है वो काम कर देगा, ये डिफ़ॉल्ट लास्ट में जो लिखा है उसको मैचिंग करेक्टर के रूप में मानेगा और उसमें जो भी एक्शन करने को कहा है वो प्रिंट कर देगा। यहाँ हर केस मैच के बाद में हमने ब्रेक लिखा है, ये ब्रेक इसलिए है क्योंकि जब एक केस मैच कर जाता है तब तक तब उसके बाद में आगे के केसेस को ये मैच करवाने का काम नहीं करता है और आगे जो एक्शन है उनको सबको करता है। मतलब जैसे हमने अपर केस या लोअर केस ए लिख दिया है तो एक केस मैच हो गया, उसके बाद में ए काउंट में 1 ऐड कर लेगा, यदि ये ब्रेक नहीं लिखा है तो बी काउंट में ऐड कर लेगा, ये ब्रेक नहीं लिखा तो सी काउंट में ऐड कर लेगा एंड सो ऑन, ये आगे चलता जाएगा। इसलिए ब्रेक लिखते ही ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाता है, जो ही इसको ब्रेक मिलता है ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाता है। इस तरह से जो केस है वो और कोई एक्शन नहीं करता और जो स्विच केस है वो एक ही बार एक्शन करता है, ये रिपीटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। जैसे व्हाइल को हम देखते हैं ये रिपीटेटिव स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं जब तक कि इसको एंड ऑफ करेक्टर नहीं मिलेगा या जो सेंटिनल वैल्यू नहीं मिलेगी या काउंटर का मेरे को फॉल्स कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक ये रिपीट होता रहेगा। स्विच रिपीट नहीं होता है, स्विच वन टाइम है, इसमें एक बार हमने कोई कंट्रोल स्टेटमेंट में जो वैल्यू दे दी वो किसी एक से मैच करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन दिए वो पूरे करेगा और बाद में इसका एंड हो जाएगा। हम कई जगह देखते हैं जैसे इस केस अपर केस है, बाद में हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ ब्रेक कुछ नहीं लिया, बाद में केस लोअर केस ए मैच करा लिया। इसी तरह से इधर देखें, केस न्यू लाइन करेक्टर मिला लिया, टैब मिला लिया, स्पेस मिला लिया। इस तरह से हम कई केसेस को मैच कराना चाहते हैं तो उनको सबको वन बाय वन लिख देते हैं और उसके बाद में सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद में ब्रेक लिख देते हैं। इस तरह से हम स्विच में कर सकते हैं, मतलब जो भी लेबल्स हैं उनको सबको लिस्टिंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लेबल्स एक साथ लगा सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। ये है स्विच केस का एग्जाम्पल जिसमें पहले इनिशियलाइज कर दिया, ए बी सी डी ई काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद में व्हाइल स्टेटमेंट जिसमें एक करेक्टर गेट करेक्टर से रीड कर रहे हैं, ग्रेड इक्वल को वो वैल्यूज करेक्टर के असाइन कर रहे हैं और कंडीशन नॉट इक्वल टू ईओएफ मैच करवा रहे हैं। उसके बाद में स्विच स्टेटमेंट है जिसके पैरेंथेसिस में ग्रेड लिख दिया है, केस मैच करवा रहे हैं, ए लोअर केस है ए में काउंट कर रहे हैं ब्रेक, बी को मैच करवा रहे हैं बी में का ऐड कर रहे हैं ब्रेक, बाद में सी
सी को मैच करवा रहे हैं, सी काउंट में इंक्रीमेंट ब्रेक, डी मैचिंग, डी काउंट में इंक्रीमेंट ब्रेक, ई काउंट, ई मैचिंग, ई काउंट में इंक्रीमेंट ब्रेक, एफ मैचिंग, एफ काउंट में इंक्रीमेंट ब्रेक, बाद में न्यू लाइन, टैब और स्पेस, इनको इग्नोर करने के लिए सीधा ब्रेक, और बाद में डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में यदि इनके अलावा कोई करेक्टर मिला है तो प्रिंट करें इनकरेक्ट लेटर ग्रेड एंटर्ड, एंटर न्यू ग्रेड। उसके बाद में सब जो हैं ए बी सी डी ई एफ किसकी किसको कितनी बार हमने एंटर किया है वो ये प्रिंट कर देगा। हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, एंटर, हमको एंटर करते हैं ग्रेड ए और बाद में कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, मतलब हमने एक को एक बार एंटर किया है और किसी को एंटर नहीं किया। दोबारा रन करके देखता हूँ, अपर केस ए कंट्रोल डी, तब भी एक को एक बार प्रिंट किया और इनपुट में दिया और किसी को नहीं दिया। फिर से रन करके देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये ए बी सी डी ई एफ ये इनपुट के रूप में देने हैं, यदि जी देते हैं तो ये प्रिंट कर रहा है इनकरेक्ट ग्रेड एंटर्ड एंटर न्यू ग्रेड। अब हम एंड करके देखते हैं, सबको एक एक बार इनपुट में दिया तो एक एक बार आउटपुट में आ गया। हम फिर से रन करके देखते हैं, यहाँ हम स्पेस को इनपुट में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर की कितनी बार प्रेस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, टैब की प्रेस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये इतने इनपुट में दे दिए, कंट्रोल डी प्रेस किया तो इसने ये सब काउंट कर लिए, ए कितनी बार दिया है, बी कितनी बार दिया है, सी कितनी बार दिया है, डी कितनी बार दिया है, सबको काउंट करके यहाँ लिख दिया है।